रूस का यूक्रेन पर तीन तरफ से हमले का प्लान। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के 180,000 जवान मौजूद, किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन। बेलारूस और क्रिमिया में रूस की जबरदस्त तैयारी। इस्कंदर मिसाइल और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तैनात, किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन। और ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि 16 तारीख को बहुत बड़ी तारीख के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। क्या 16 को लेकर जो अंदेशे हैं वो सच साबित हो सकते हैं? क्या विंटर ओलंपिक समाप्त होने के पहले कुछ बेहद डरावना हो सकता है? ये पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीर। अब इस नक्शे को जरा समझने की जरूरत है। पुतिन का वॉर मैप मिला, टारगेट पर बड़ा खुलासा। ये जो मैप है, ये नक्शा अभी क्या बता रहा है? कितने जवानों की तैनाती कहाँ है, किन तरफ, किन दिशाओं से हमले की तैयारी है और टारगेट में क्या क्या है? आइए आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं रूस ने कैसे यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाया है, कैसे यूक्रेन पर हमला बोला जा सकता है। जरा ये देखिए, रूस ने तीन तरफ से हमले की प्लानिंग की है। यूक्रेन पर कैसे होगा हमला, जरा इसको देखिए। अगर आप अब तक ये नक्शा समझने लगे हैं और पोजीशन समझने लगे हैं कि रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ब्लैक सी, ये सब कहां पर हैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये यूक्रेन का नक्शा है और यहां पे है राजधानी कीव। कीव में हमला करने के लिए 5,000 जवान रूस की तरफ से और 35,000 जवान बेलारूस की तरफ से हमला बोलेंगे। और साथ में ये जो डोनबास का इलाका है, डोनबास का इलाका जहां पर आप जानते हैं कि रूस एक तरीके से पिछली बार जब उसने आक्रमण किया था तो लगभग काबिज हो ही गया था, लेकिन आखिरी वक्त में ये इलाका यूक्रेन के साथ रह गया था। यहां वैसे भी रूस का समर्थन करने वाले और रूस की तरफ से बोलने वाले, रूस की तरफ की मानसिकता से सोचने वाले लोग ज्यादा हैं। और यहां पर इस इलाके को एनेक्स करने के लिए, अब अपने साथ मिला ही लेने के लिए अगर रूस आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर इधर जो जवान भेजे जाएंगे वो इधर से भेजे जाएंगे। ये नक्शा अब तैयार हो गया है और ये नक्शा, ये कहा जा रहा है कि बहुत ही क्रेडिबल है। इन तीन तरफ से हमला करने के बारे में सोचा जा रहा है। एक तरफ से डोनबास को अपनी तरफ लेने के लिए आक्रमण करेगा रूस, और कीव पर जाकर अपना झंडा फहराने के लिए 35,000 और 5,000 जवानों को रवाना करेगा। 5,000 जवान उसकी तरफ रूस से ही आएंगे और इधर इस तरफ से आएंगे। और मैंने आपको बताया, अगर 35,000 जवान बेलारूस से आ रहे हैं, 5,000 जवान उधर रूस से आ रहे हैं, तो इधर क्रिमिया की तरफ से हमला बोलकर डोनबास को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।